जेल में बंद पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर भले ही उनकी पार्टी के नेता और खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव मुखर ना हो, पर अब अन्य दलों की नजर आजम खान पर टिकने लगी है, जिसमें सबसे पहला नाम है भीम आर्मी के चीफ और नगीना से जल्द ही सांसद बने चंद्रशेखर आजाद, जो अब आजम खान के समर्थन में उतर आए हैं। उनके इस बयान से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए नई चुनौतियां खड़ी होती नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव के पुराने साथी रहे चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान का जिक्र कर ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। उन्होंने कहा है कि जो वंचित वर्ग के नेता हैं, जिस तरह से वो जुल्म सह रहे हैं, आजम खान जैसे जो सीनियर नेता हैं, वो जेलों में पड़े हैं, उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया है या कुछ लोग इस दुनिया में नहीं। ये इस बात का उदाहरण है कि सत्ता तानाशाही के साथ काम कर रही है। इस बयान के बाद सियासी हलचल मच गई है। लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद आजम खान को अपने पाले में लाने की फिराक में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो धर्म निरपेक्ष नहीं और वो फेलियर है। ये हाथरस की घटना का उदाहरण, साथ साथ दोल्डी में जो मेरठ में हुआ डबल मर्डर, ये उसके बाद का उदाहरण। जो पुलिस ने जिस तरह से हत्या की अलीगढ़ में एक बच्चे की, ये उसका उदाहरण है। और साथ साथ जो वंचित वर्ग के नेता जिस तरह से आज वो जुल्म सह रहे हैं और राजनीतिक कारणों कारण जैसे आजम खान जैसे जो सीनियर नेता है और वो जेलों में पड़े हैं, उनको जेलों में ठूंस दिया गया है या कुछ लोग अभी दुनिया में नहीं है, इस बात का उदाहरण है कि सत्ता तानाशाही के साथ काम कर रही है। ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र में, इसका बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार का सबक मुंह देखना पड़ा। बता दें कि बीते साल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एक अदालत ने फैसला सुनाया था। तब कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि सहारनपुर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद हाथरस मामले पर भी बोले। चंद्रशेखर का कहना है कि उनका मूवमेंट पाखंड के खिलाफ है, इसीलिए ऐसे बाबाओं से दूर रहें और शिक्षा रोजगार के रास्ते पर चलें। उन्होंने बाबा पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि हाथरस की घटना कानून व्यवस्था का फेल्योर है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं पे इनकी जांच भी होनी चाहिए कि उनको कौन फंडिंग कर रहा है जो वो इतना जो है इतनी व्यवस्थाओं के साथ और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ। और ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, सरकार का क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो होगी, क्या नहीं पता कि इतनी बहुसंख्यक भीड़ इकट्ठा हो रही है। मीडिया के साथियों और हमें भी मिलकर आवाज उठानी चाहिए उन पर कार्रवाई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।